बिग बॉस 18 के घर के अंदर लाइव फीड के दौरान विवेन दिसेना ने बाथरूम एरिया के पास आकर किया एलिस कौशिक के सामने सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, विवेन दिसेना ने ऐसा खुलासा किया जिसके चलते एलिस कौशिक जो है पूरी तरह से विवेन दिसेना की पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हुए दिखी। और यहाँ बिग बॉस ने भी कर डाला दोस्तों विवेन दिसेना की बड़े कारनामे को देखकर, खुलासे को देखकर, सुनकर, जमकर उनकी तारीफ। अब ऐसा कौन सा खुलासा किया है, यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों हम आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। बिग बॉस 18 के घर के अंदर विवेन दिसेना जो है बीते 2 दिनों से पूरी तरह से जो है छा चुके हैं, हर किसी के फैन बनते जा रहे हैं विवेन दिसेना। विवेन दिसेना की पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में एलिस कौशिक के सामने जाकर विवेन दिसेना एक बड़ा खुलासा करते हैं चाहत पांडे के बारे में और शहजादा धामी के बारे में। यहाँ पर कई लोगों के चेहरे जो हैं अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, वो लोग अपने चेहरे के पीछे जो है एक और चेहरा साथ में लेकर चल रहे हैं, नकाब ओढ़ कर चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग डायलॉग बाजी और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो डायलॉग बाजी और स्क्रीन प्ले जो है बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे टीवी पर ही वो अच्छा लगता है, ये एक रियलिटी शो है और हमें अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है वो दिखानी चाहिए। अभी मेरे को यहां आए हुए 2 दिन हुए हैं और मुझे पता चल गया कि यहां पर कौन सच्चा है और कौन गेम खेल रहा है और कौन गंदा खेल खेल सकता है। इस बारे में एलिस कौशिक के सामने जो है वो कहते हैं। अब एलिस कौशिक बोलती है कि कैसे आपने कैसे पता लगाया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो सबके साथ जो है मैं एक क्वेश्चन मैंने किया और अकेले में जाकर चाहत पांडे से मैंने एक क्वेश्चन किया और दोनों का आंसर जो है जमीन आसमान का अंतर था। इसका मतलब वो पर्सन झूठ बोल रहा है, चाहत पांडे झूठ बोल रही थी, शहजादा धामी चाहत पांडे को सपोर्ट करने के लिए वो भी झूठ बोल रहा था। तो इससे ही पता चलता है कि कैसे यहां पर गेम खेला जा रहा है। अब ये सब देखकर एलिस कौशिक जो है बड़ी इंप्रेस हो जाती है दोस्तों विवेन दिसेना से और वो कहती है कि वाकई मान गए और मेरा जो प्रोसेस है, मेरा प्रोसेसर जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है, मेरा सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा स्लो काम करता है, ये बात जो है वो बोलती है। अब बिग बॉस भी इन्हीं सारी की सारी चीजों को जो है लगातार दिखा रहे होते हैं दोस्तों और लगातार उसे कैप्चर कर रहे होते हैं। तो ये चीजें जो हैं आपको देखने को मिल रहा है। अब विवेन दिसेना अभी 2 दिन में इतना कमाल कर चुके हैं, अब आगे आगे देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीजों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट दोस्तों।